बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिसकी शुरुआत 24 नवंबर से हो जाएगी, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन क्रिकेट से बाहर हो चुके हैं लगभग 6 महीने के लिए। कैमरन ग्रीन की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑलराउंडरों में से माने जाते हैं इस वक्त, और कमाल का प्रदर्शन उनका गेंद से भी रहता है और बल्ले से भी कमाल का प्रदर्शन वो करते हैं। भारत को भी कई मौक़ों पर वो तंग कर चुके हैं, तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैमरन ग्रीन को क्या समस्याएं हैं और किस वजह से वो 6 महीने के लिए क्रिकेट से बाहर हो चुके हैं, और ऑस्ट्रेलियाई टीम इनके विकल्प के तौर पर किसको ला सकती है। सबसे पहले आपको बता दें कि कैमरन ग्रीन जो कि हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ खेली गई थी, उस सीरीज़ में बाहर हुए थे और दूसरे वनडे में वो चोटिल हो गए थे, बैक इंजरी उनको हुई थी, बैक इंजरी की वजह से वो बाहर हो गए थे। जब उनके स्कैन्स हुए तो वहाँ पर पता चला कि कैमरन ग्रीन की जो बैक इंजरी है वो सीरियस बैक इंजरी है, क्योंकि उससे उनको काफ़ी ज़्यादा बैक में दिक्कतें आ रही हैं और उनकी इंजरी बढ़ती ही जा रही है, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि उन्हें सर्जरी करानी होगी, और सर्जरी कराने के लिए उन्हें कुछ वक्त के लिए क्रिकेट से बाहर भी रहना होगा। उसके बाद जब रिहैब करेंगे वो तो उसमें भी काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो ये सब मिला जुला कर ऐसा माना जा रहा है कि कैमरन ग्रीन लगभग 6 महीने के लिए क्रिकेट से बाहर हो चुके हैं। कैमरन ग्रीन की अगर बात की जाए तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तो वो टीम का हिस्सा रहेंगे नहीं, इसके साथ ही फरवरी में श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम टेस्ट सीरीज खेलने वाली है, तो उस सीरीज से पहले भी वो बाहर हो चुके हैं, और इसके साथ ही ऐसा भी माना जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो लगभग बाहर हो चुके हैं। इसके साथ ही आईपीएल में जब आईपीएल शुरू होगा मार्च एंड में और अप्रैल की शुरुआत में, तो वहाँ पर भी वो लगभग बाहर माने जा रहे हैं। तो कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर हैं और उनकी मौजूदगी टीम को काफ़ी मजबूती देती है, क्योंकि नेथन लॉयन, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड के साथ मिलकर वो काफ़ी कमाल की गेंदबाजी करते हैं और पांचवें ऑप्शन के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के एक विकल्प हैं। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ा झटका उनके जाने से लगा है। हालांकि मिचेल मार्श, इसके साथ ही अन्य कुछ और ऑप्शंस भी हैं जो ऑस्ट्रेलिया ट्राई कर सकती है, लेकिन कैमरन ग्रीन जिनकी एक हाइट है, जिनको एक अच्छा बाउंस मिलता है और इसके साथ ही जिनके पास बल्लेबाजी की स्किल भी है, उनके बाहर होने से टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि बैक इंजरी की वजह से कैमरन ग्रीन अब सर्जरी कराने की प्रक्रिया में चले गए हैं, और सर्जरी वो कराएंगे, उसके बाद फिर उन्हें रिहैब करना होगा, तो उसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम उनको एक स्पीडी रिकवरी के लिए विश करती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब हम दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। बात करें अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, तो 24 नवंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी, 5 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे नवंबर और दिसंबर के दरमियान। इस खबर में इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।